हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मैं इतना साल रहा नहीं आपके साथ क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल में था, पर हमेशा से जब भी मैं बाहर रहा, जो भी आपने मुझे अच्छी चीज़ें सिखाई, बड़ों का सम्मान करना है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे ऑनेस्ट रहना है, किसी भी पड़ाव पे मुझे कुछ भी हासिल हुआ, सब आपकी वजह से हुआ। और जिस तरह से आपने मेरे लिए इतना संघर्ष किया, इतना आपने इतनी कठिन परिस्थितियों में मुझे पाल पोस के बड़ा किया, और अभी मैं खुद एक फादर हूँ, मुझे पता है कि कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है बच्चों के साथ, और आपने मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया तो वो ज़िंदगी में हमेशा मुझे मलाल रहेगा। तो जस्ट वांटेड टू से थैंक यू सो मच व्हाट एवर यू हैव डन फॉर मी एंड आई विल लव यू फॉर एवर। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा जो हमने उसको शिक्षा दी, उसने वही बोला हमने अच्छा रहना, अच्छा बोलना, अच्छा बर्ताव करना। हमारा आशीर्वाद उसके साथ, अच्छा तरक्की करे, अच्छा आगे आगे निकले। ऐसा आप सीक्रेट निकाल सकते हैं कि जो आप उन्हें प्यार से बुलाते थे? मैं सोनू बुलाते हैं। अच्छा। हमारा तो सुरेश तो स्कूल का नाम है ना उसका। अच्छा। घर सभी इसे सोनू बुलाते हैं। तो आंटी, सोनू भैया को कौन कौन सी चीजें पसंद है जो मतलब आपके हाथ की बना के वो खाते ही खाते हो? उसे भैया आलू दाल, अच्छा, कड़ी, राजमा, बैंगन पड़ता, भिंडी, जो मिल जाए खा लेता वो जो मिलता है। आंटी क्या बनाने वाले हो आज आप सोनू भैया के? कड़ी है, चावल है, खीर है। तो आंटी चलें किचन की तरफ, मुंह में पानी आ रहा है। चलो देखते हैं कड़ी में क्या क्या डाला जाता है। अच्छा, सबसे पहले तेल। आपने बाकी इंडियन टीम के लिए किसी के लिए खाना बनाया है? ये सिर्फ नहीं के आए खाके गए। अच्छा। प्रवीण है, धोनी खाके गया, चावला भी आया। तो आंटी जब तक ये कड़ी बन रही है तब तक हम कुछ और बना सकते हैं साथ? हाँ, हाँ जी, हम खीर बना सकते हैं। वाह, मुझे लग रहा है कड़ी हमें बुला रही है। आंटी कड़ी में मजा आ जाएगा, पकौड़ियाँ हो जाएंगी। खीर में क्या बाकी रह गया आंटी? चीनी। चीनी। आंटी इंतजार किस बात का, चलिए प्लेट उठाइए और चले खाना खाने। चलो चलो चले। ऐसा हो सकता है कि सीधा मीठे पे टूट पड़ू? नहीं, चलो ठीक है, मैं पहले कड़ी खा लेता हूँ। पहले कड़ी खा लो। ठीक है। आंटी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पता चल गया सुरेश भैया की क्या फेवरेट डिश है और क्यों फेवरेट डिश है। वाकई में कमाल है यार। हांडी एक बार सर पे हाथ रख दो और एक बार ये बोल दो मैं खाना बनाने लग जाऊं ऐसा। और क्या, बढ़िया। हांडी जब आप सुरेश भैया के लिए इतना अच्छा खाना बनाते हो और जो स्पेशली आगे सिर्फ कढ़ी चावल खाते हैं तो पक्का कुछ ना कुछ आपके लिए गिफ्ट लेकर आता हूँ, कोई ना कोई तोहफा दिया होगा आपको। तो ऐसा कोई तोहफा है जो आपके दिल के करीब हो सबसे ज़्यादा? कभी कपड़े ले आया। अच्छा। चैन दी, चूड़ियाँ दी। अरे वाह, सब कुछ दिया, सब मंगा, सब उसी का है। अभी आंटी अगर थोड़े से ये मीठा हो जाए तो बात बन जाए। जरूरी हो जाए। हाँ जी, मैं आंटी अपने हाथ से खिला दूँ आपको। थैंक यू सो मच आंटी। थोड़ी और लो ना। थोड़ी और नहीं आंटी, ये आप लो, मैं पूरी ले रहा हूँ। पूरी लो, खाओ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मज़ा आ गया। थैंक यू आंटी, आपने इतना कुछ किया और इतना कुछ हमें बताया और आपने जितनी भी मेहनत की है अभी तक उसका फल आपका बेटा दे ही रहा है, पूरे भारत को दे रहा है। थैंक यू सो मच आंटी।